नमस्ते दोस्तों, अक्सर आपने गौर किया होगा कि बिल्लियों की आंखों की पुतलियां सुबह और उजाले के वक्त एकदम पतली और बारीक होती है और रात व अंधेरे के वक्त वो एकदम गोल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आइए इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल अमेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आपको आगे इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम रोशनी की जगहों में पुतलियां यानी प्यूपिल्स बड़ा और गोल हो जाता है। ये आंखों में अधिक रोशनी डालता है, इससे उन्हें अंधेरों में भी देखने में सहायता मिलती है। पुतलियां अंधेरों में गोल होने के कारण वे रोशनी आंखों में खींचती है और इसी कारण से वे अंधेरों में कई हद तक देख सकते हैं। वही अगर रोशनी ज़्यादा हो या सुबह का वक्त हो तो वो लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से उनकी पुतलियाँ बारीक और पतली हो जाती है। एक पूरी तरह से गोल पुतली आमतौर पर 4 से 8 मिलीमीटर के आकार में होती है, जबकि एक पतला पुतली 2 से 4 मिलीमीटर की सीमा में होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्टोमोलॉजी के अनुसार पुतलियाँ आमतौर पर 2 से 8 मिलीमीटर के आकार में होती है। प्यूपिल का आकार इस आधार पर भी बदलता है कि बिल्ली अगर किसी चीज़ को दूर या दूर देख रही है तो उसकी पुतलियाँ गोल व मोटी हो जाती है। वही अगर वो किसी चीज़ को नज़दीक से देख रही है तो उसकी आंखों की पुतलियाँ बारीक हो जाती है। प्यूपिल का आकार कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे लोग जानबूझकर नियंत्रित यानी बदलाव कर सकते हैं। अगर उनकी एक मोटा पुतली है तो वे लोग कभी इसे महसूस नहीं करेंगे। यह जो मैकेनिज़्म मैंने बताया वो मैकेनिज़्म हर इंसान और जानवरों में होता है। ये इंसानों में होता है पर बिल्लियों या अन्य जानवरों की तरह आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके सामने वाले व्यक्ति का पुतली पतली हो रही है या मोटी। इंसानों में ये होता है पर बहुत कम स्तर पर होता है। पुतलियाँ के रंग भी अलग अलग होते हैं और हर व्यक्ति का पुतली एक दूसरे से अलग अलग होती है और कभी किसी दो व्यक्ति की पुतलियाँ एक दूसरे से सेम नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और पसंद भी आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।